दोस्तों, मैं जावेद आरमानी टीवी से इस वक्त मौजूद हूँ टाउन में नाम का। तो ये अब्दुल्ला गौर की यूसी चौकटी से आए हैं। प्रॉब्लम जो इनको चेयरमैन के नजीर अहमद भुट्टो से मिलने के लिए आई है। इन सबको अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या नाम है? फजल रहमान। खैरियत यहाँ पर आए सर? हमारे वहाँ गली की बहुत प्रॉब्लम है। कहाँ की? ये अब्दुल्ला गौर गली नंबर 8 की। और हम लोग वहाँ छोटे छोटे बच्चे हमारे गंदे गड्ढे में हाथ मारते हैं। मदरसे को बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ गिर जाते हैं। गली में गाड़ी नहीं अंदर आ सकती। कोई बीमार हो गया हम उनको हाथ में लेकर बाहर गली में लेकर जाते हैं, गाड़ी में उठाते हैं। कब से ये हालत? ये 1 साल हो गया। 1 साल से यही हालत है? यही हालत है। गटर भंगी लेकर जाए, कुछ भी हुआ वो गटर ऐसे जाम हो गए, बैठ गए, कोई सुनने वाला नहीं है। सबको बोलते हैं, सबके पीछे आते हैं जाते हैं। अगर गरीब लोग हैं, इतने पैसे कहाँ से हम जो गटर दूरी बनाए? इसलिए हम आपके पास आए हैं टाउन में, कुछ हमारा ख्याल करें। तो दोस्तों, देखा कि इनके प्रॉब्लम्स हैं, बहुत परेशान हैं। इनका कहना है कि आना जाना है बहुत मुश्किल है। वहाँ पे जो रोड है, गटर निकल आया है। अगर मैयत हो जाए, कोई पेशेंट होता है, तो बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स होती है। ये आए हैं नजीर अहमद भुट्टो के साथ, चेयरमैन जो है यहाँ के, उनसे मिलने के लिए। इन्होंने ये दिखाएं, ये दिखा सके तो कैमरा मैन, ये देखेंगे एप्लीकेशन भी रिसीव कराई हुई है ना आपने, तो ये एप्लीकेशन भी रिसीव कराई है। इनका मुतालबा है कि दोबारा हमारा काम कराया जाए। और आइए हम आप बात करते हैं नजीर अहमद भुट्टो से, तो इंशाल्लाह कि इनका मसला हल हो जाए। तो जी दोस्तों, दो चार आदमी रिन्यू कराने के लिए एप्लीकेशन, ये लोग सारे आए हैं। चेयरमैन साहब के, तो दोबारा इनको रिवाइज करा रहे हैं ये एप्लीकेशन। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इनकी जो प्रॉब्लम है मसले हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपको मसला ठीक है सर? कितने ये काम मुझे रूम मिल जल्दी इंजीनियर है, उनको कॉल करिए। फिल फॉर एक्शन लेते हुए अमल कराएंगे सर। बात ऐसी है कि हम अपनी तरफ से बहुत कर ली कोशिश, हम नाकाम होके इधर आए। मेरे गाड़ी भी अपनी मर्जी खर्चे भी किए हैं। ये देख रहे आप बात पहुँचाए तो सही ना। इनका कहना है कि जैसे इनके पास बात पहुँची है तो इंशाल्लाह फिर और आपके सामने। अमित भाई कहाँ हो? यूसी चौकुंडी का इंचार्ज कौन है आपका? मेन गड्डी है तकरीबन हर अचल मने आ जाए। नीचे आ जाए, देखिए आप सब उसको वो देख लेंगे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इनका काम होगा और फिल फॉर इंशाल्लाह उम्मीद से आए। ये नहीं ना उम्मीद से आए हैं, मेन डिस्पोजल जो कम हो केरो वडो इशू हो वो इंशाल्लाह माना 95% हल थी वो थी वो ने वो गले के कमाई है साल में भी खबर पे असा मेंबर पाए असा फोटो में आया है डिस्पोजल ले गए डिस्पोजल चेक लगा दो ना ते ते गयो भाई ऐसा है लगाओ ना सुनो जी ना हमें जो कह रहे भाई घटती है घर में पानी मजे पे यो मसलो तो हल करो मेहरबानी हमारी खबर की है घटती है हमें पानी मजे पे बाहर करण पे कुरान शरीफ पास में निजाम बाहे को कुरान शरीफ जो बेरुमती दे खासा मुसलमान है अब्दुल्ला गौर जो विजिट करे नहीं
ये गली नंबर 8 पे जो पहले रोड से जाएंगे ना यहाँ से जाते हैं गली नंबर 8 रोड नंबर कौन सा है सर आप जरूर आए ना आप के साथ पहले नंबर दिया इस पार जाके देखने वहाँ पे तो सर स्टोर रखे ना सर मसला उसके सामने आ रही हमारे ये आमर भाई भी आ चुके हैं देख सकते हैं कि फिलफोर खान जो है पीएसए चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो साहब के फिलफोर अमल कराते हुए और इनका मसला कराने के लिए इनको हिदायत की है तो ये इंजीनियर साहब भी आ गए हैं माशाल्लाह ये जो मेंबर हैं आसिम साहब ये भी मौजूद है इन्होंने भी जो माशाल्लाह कोशिश की सबसे बात करी इंजीनियर से इनसे तो आमिर भाई आप जाएं और देखें इनके प्रॉब्लम्स सर आप भी जाएं कोई भी लोग इनको बोले कि अपने स्वीपर अपने फेस में करवाओ मुझे बताओ पैसे स्वीपर भी स्वीपर नहीं वो स्वीपर भी आते हैं हमने खुद देखे ये टाउन के उन्होंने हमारा बोला नहीं खुद है भाई आप तो अगर टाउन से आप नहीं करते हम प्राइवेट ला ला के आ रहे हैं ना आप खड़े रहो खड़े के काम कर रही है एक बात रहीम भाई ने भेजे फिर उन्होंने बोला नहीं भाई उन्होंने कहा कि रहीम भाई कह रहे हैं सुनो बात सुनो जो भी आपका बंदा जब स्वीपर आए ना मेरी जिम्मेदारी मेरा घर है तो मुझे खड़े होकर काम करवाओ आप बोलते हो स्वीपर खड़ा हो गया आ गया मैं जाके घर सो जा देखो आपको इन्होंने नहीं कहा प्लेस की तरफ से आप मौलाना आमिर भाई हैं शफकत शेख साहब हैं बिल्कुल अमल कराते हुए तो चल आप मुतमिन है हमने कोशिश की आगे मसला हल कराने ये मसला एक दो बंदे को छोड़ते हैं भले गाला एक बार मार पड़ा था